नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। वैसे देखो, आर्टिकल में फोकस किया जाता है जस्टिस रंजन गगोई पर, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। लेकिन आंसर्स में आप इंस्टीट्यूशंस पर फोकस कीजिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन पर फोकस मत कीजिए। आर्टिकल में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग एनआरसी के केस में सही नहीं है। देखो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अब अपडेट किया जा रहा है असम में। इवन फाइनल ड्राफ्ट भी रिलीज हो चुका है। 40 लाख लोगों ने अपना नाम नहीं पाया है फाइनल ड्राफ्ट में, लेकिन वो अपील फाइल कर सकते हैं। 2009 से 2012 के बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ ओवरसाइट किया जा रहा था कैसे ये एनआरसी को अपडेट करने की प्रोसेस चल रही है, मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी अपडेशन की प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लिया। जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं एनआरसी को अपडेट करने के लिए, उनको बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में। पूछा गया स्टेट कोऑर्डिनेटर से, आप कौन से मेथड को अपनाओगे एनआरसी को अपडेट करने के लिए। स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा कहा गया कि हम ट्री मेथड को अपनाएंगे। देखो, हर एक फैमिली के लिए एक ट्री बनेगा तो कई सारी जनरेशन का पता लग जाएगी, कई सारी जनरेशन एक ही ट्री में आएंगी। पता लग जाएगा कौन सी फैमिली बांग्लादेश से आई है और कौन सी फैमिली इंडिया में ही काफ़ी सारी जनरेशन से रह रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निश्चित डेडलाइन दे दी गई स्टेट कोऑर्डिनेटर को कि आपको इस डेडलाइन के अंदर अंदर ये पूरा काम खत्म करना है। देखो, डेडलाइन वगैरह आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, डेडलाइन थी कितनी एग्जैक्टली, लेकिन एसेंस आप समझने की कोशिश कीजिए। वो डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने जो ये डेडलाइन दी है, इस डेडलाइन के अंदर काम को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। और ऐसा हुआ भी, काम को कंप्लीट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक्सटेंशन दी, दो बार एक्सटेंशन दी। एक बार बीच में ऐसा हुआ काम आधा ही खत्म हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 31 दिसंबर से पहले एक ड्राफ्ट आप रिलीज कर दो, चाहे वो फाइनल ड्राफ्ट ना हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा, देखो ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे लैंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट हो जाएगी। ये मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लोगों की सिटीजनशिप का मुद्दा है। जिन लोगों का नाम नहीं आएंगे आधे अधूरे ड्राफ्ट में, उनको तो लगेगा ना कि हमारे साथ क्या हो गया। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए, एक ही बार में फाइनल ड्राफ्ट रिलीज कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना और पिछले साल दिसंबर से पहले एक आधा अधूरा ड्राफ्ट रिलीज किया गया, और फाइनल ड्राफ्ट रिलीज किया गया आपको याद होगा 2-3 महीने पहले। अब प्रोसेस चल रही है, लोग जिनके नाम नहीं आए हैं, 40 लाख लोगों के नाम नहीं आए हैं फाइनल ड्राफ्ट में, वो क्लेम कर सकते हैं। इस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले स्टेट कोऑर्डिनेटर को फिर से बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास, कहा कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए कि कैसे वो लोग जिनके नाम नहीं आए हैं अब क्लेम करेंगे कि हम सिटीजन हैं इंडिया के, लेकिन फिर भी हमारा नाम शामिल नहीं है एनआरसी में। स्टेट कोऑर्डिनेटर ने पूरी प्रेजेंटेशन दी, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। नो डॉक्यूमेंट्स, जिनको पहले कहा जा रहा था यूज किया जा सकता है, नो के नो डॉक्यूमेंट्स को यूज नहीं किया जा रहा है सिटीजनशिप क्लेम करने के लिए। क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या हुआ, बंद कमरे में कोई भी डिटेल रिलीज नहीं की गई है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं पता कैसे ये पूरी प्रोसेस चल रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पता है और स्टेट कोऑर्डिनेटर को पता है। देखो, ये सब चीजें गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट एक एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है इस पूरी प्रोसेस में। होना ये चाहिए पार्लियामेंट पहले कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट करे, बाद में केस जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ही पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ही एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है। अब वो लोग जो इस पूरी प्रोसेस से नाराज हैं, जिनको डिटेल्स चाहिए, जो इस पूरी प्रोसेस को चैलेंज करना चाहते हैं, वो किसके पास जाएं, क्योंकि पूरी प्रोसेस को तो सुप्रीम कोर्ट ही चला रही है। तो ये सारी बातें बोली गई हैं, आप इनको एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको जुडिशियल ओवररीच या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में कुछ लिखना हो तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।